हेलो एवरीवन, वेलकम टू तृप्ता इनोवेशंस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप राडिक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सेल्स ऑर्डर जीएसटी के ट्रांजैक्शन को कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे यूटिलिटीज सेटिंग्स को कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। कंपनी कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सेल्स परचेज टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एनेबल ऑर्डर्स ऑप्शन पे टिक कर देना है, सेव कर देना है और क्लोज कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शंस सेल्स ऑर्डर्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे डेबुक का एंट्री फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल्स को एंटर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट नंबर, यहाँ पे आपको ऑर्डर नंबर डाल देना है। एंटर कर देंगे डेट, यहाँ पे आपको सेल्स ऑर्डर की डेट डाल देनी है। एंटर कर देंगे अकाउंट, यहाँ पे आपको F4 की को प्रेस करना है तो सभी अकाउंट्स की लिस्ट आ जाएगी। आपको जिस अकाउंट में सेल्स ऑर्डर जीएसटी की एंट्री करनी हो वो सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट, अगर आपको यहाँ पे न्यू अकाउंट को क्रिएट करना हो तो आप यहाँ पे 2 बार न्यू बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं। अकाउंट सिलेक्ट करने पे सभी डिटेल्स यहाँ अपने आप मास्टर से आ जाएंगी। आप चाहें तो इन्हें चेंज भी कर सकते हैं। इनवॉइस टाइप, आप जो भी इनवॉइस बना रहे हैं B2B, B2C, एक्सपोर्ट्स, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट, इनवॉइस सब टाइप, अगर आप सेम स्टेट में सेल कर रहे हैं तो स्टेट इंट्रा ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। डिफरेंट स्टेट में सेल कर रहे हैं तो इंटर स्टेट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और अगर आप जिस स्टेट में सेल कर रहे हैं वो यूनियन टेरिटरी में आता है तो यहाँ पे आपको UT इंट्रा ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ सप्लाई, आप जो सेल कर रहे हैं गुड्स या सर्विस, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट, AV कैलकुलेशन मेथड, यहाँ पे आपको F4 की प्रेस करके लिस्ट में से GST ऑन नेट अमाउंट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट, अट्रैक्ट्स रिवर्स चार्ज, ये डायरेक्टली आइटम मास्टर्स में जो HSN कोड होगा उससे फेच होके यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट, हम यहाँ पे आइटम एंट्री के सेक्शन में आ जाएंगे। आइटम यहाँ पे F4 की प्रेस करेंगे तो सभी आइटम्स की लिस्ट आ जाएगी। आप यहाँ से आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको यहाँ पे न्यू आइटम को क्रिएट करना हो तो यहाँ 2 बार न्यू बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट, रेट पर, आपको आइटम का रेट कौन से यूनिट पे कैलकुलेट करवाना है वो यहाँ लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना है। ये यहाँ आइटम के मास्टर्स से बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे मीटर्स ही रख रहे हैं। एंटर एंटर कर देंगे और यहाँ पे मीटर्स में वैल्यू डाल देंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे रेट में वैल्यू डाल देंगे। यहाँ पे आप जैसे ही रेट डाल के एंटर करेंगे तो अमाउंट कैलकुलेट होके डिस्प्ले हो जाएगा। एंटर कर देंगे। आप इसी तरह से यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे कुछ डिस्काउंट हो तो उसका परसेंटेज आपको यहाँ पे डाल देना है। वैल्यू अपने आप यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। अगर डायरेक्टली डिस्काउंट की वैल्यू ही एंटर करनी हो तो यहाँ पे वैल्यू एंटर कर देनी है। नेक्स्ट, इसी तरह से अगर कुछ ऐड हो रहा है जैसे कि फ्रेट चार्जेस, तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली आप यहाँ पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि GST अमाउंट भी कैलकुलेट हो गया है। ये टैक्स आइटम मास्टर्स के HSN कोड के अकॉर्डिंग रहेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे नेट अमाउंट कैलकुलेट होके डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट, नोट्स, एंट्री रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन हो तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। सेव करते ही सॉफ्टवेयर प्रिंट के लिए पूछ लेगा। यहाँ से आप व्यू सिलेक्ट करके ऑर्डर को प्रिंट भी कर सकते हैं। सेल्स ऑर्डर GST की एंट्री हो चुकी है, न्यू बटन एक्टिवेट हो गया है। क्लिक करेंगे तो न्यू एंट्री का फॉर्म ओपन हो जाएगा। और भी ऑर्डर्स को इसी तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से हम राडिक्स में सेल्स ऑर्डर GST के ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।